हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूंगा। इधर अभी 2-3 दिन में मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे थे, कुछ मेल आ रहे थे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस समय टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं करने को एंड पूरा दिन निकल जाता है। कुछ चीज़ें हो पाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं। सो उन चीज़ों को कैसे टैकल करें, कैसे चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करें। कभी कभी तो 4 घंटे मिल पाते हैं, कभी कभी 6-6.5 घंटे भी पढ़ाई को मिल जाते हैं। तो कैसे आरओएआरओ एंड यूपीपीएससी के प्री और मेंस को एक साथ टैकल करें। देखिए, सबसे पहले ये जो टाइम मैनेजमेंट का पूरा इशू है ना, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास इंडिविजुअली, आपके पास, यहाँ पर किसी और की बात नहीं हो रही है। देखिए, कभी कोई एक जो प्लान होता है ना, वो सबके लिए वन फिट फॉर ऑल नहीं होता है। सो आपके पास कितना टाइम है, ये सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। सो सपोज आपके पास 4 घंटे हैं, तो सबसे पहले आप प्री का पढ़िए, फिर आपके पास 2-2.5 घंटे और एक्स्ट्रा अगर आप निकाल पाते हैं तो फिर आप उसमें मेंस का पढ़िए। ये सबसे बेसिक है, क्योंकि प्री आपको पहले देना है, मेंस आपको बाद में देना है। अगर आप पहले मेंस का पढ़ते चले गए और फिर आपने प्री के जो अलग से चीजें होती हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की बात हो जो थोड़ा सा अलग सा आता है प्री में, या फिर फैक्चुअल नॉलेज हो, वो फिर आपको हेल्प नहीं कर पाएगी, आप उसको नहीं टैकल कर पाओगे प्री के लिए। इसलिए प्री का तो आपको ध्यान में रखना ही रखना होता है। अब आपके पास अगर 4 घंटे से ज्यादा है, 6 घंटे या 7 घंटे या 8 घंटे या फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों को मिलाकर के आराम से पढ़ सकते हैं। चाहे आप आरओएआरओ को देने वाले हो, चाहे आप यूपीपीसीएस को देने वाले हो, चाहे आप दोनों को देने वाले हो, मेंस की तैयारी प्री के साथ तभी हो पाएगी जब आप 6-7 घंटे पढ़ोगे। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका एक ना एक जो सेक्शन है ना, वो जाएगा, या तो प्री जाएगा या मेंस जाएगा। अब ये आपके ऊपर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर बाद के 1 महीने में भी प्री की पढ़ाई उठाओगे और उसको कंप्लीट कर लोगे, तो आप मेंस को करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि 4 घंटे की पढ़ाई अगर आप डेली बेसिस पे करते हो तो वो प्री के लिए पर्याप्त है। यहां से कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 3 दिन पढ़ा लेकिन उसके बाद आप 1 हफ्ते गायब हो गए। ये वाली रैंडम पढ़ाई नहीं, डेली बेसिस पे अगर आप 3.5-4 घंटे भी पढ़ रहे हो, तो आप देखोगे आपकी चीजें तैयार भी हो जाएंगी। 2-3 बार हर सब्जेक्ट को आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। तो प्री का गेम इतना ही होता है, इससे ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अगर डेली बेसिस पे आप 3.5-4 घंटे दे रहे हो, और बात का जो यानी कि एग्जाम के पहले के जो 2 महीने होते हैं वो क्रूशियल होते हैं, उसमें फिर मेंस वेंस नहीं पढ़ा जाता है। थोड़ा बहुत आपको टाइम में मिले तो अपने छुट्टी वगैरह में, जैसे आपके पास 10-12 घंटे का टाइम है, आपको कोई चीज़ करनी है, आपने 1-2 घंटे कर ली, कोई टेस्ट लिख लिया, कोई ऐसे लिख लिया, दैट्स अनदर केस। लेकिन मोटा मोटा जो बाद के 2 महीने होते हैं ना, एग्जाम के पहले के 60 दिन, उसमें आपको प्री ओरिएंटेड होना होता है। उसमें फिर 7-8-10 घंटे जैसे आपका सामर्थ्य हो, जैसी आपकी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, जैसा आपका पोटेंशियल हो, जैसा आप खुद को खींच पाओ, वो खींचना होता है। एग्जाम के पहले 12-13-14 घंटे भी लोग करते हैं। अब उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो तो आप डेली बेसिस में नहीं कर सकते। कोई लोग आएंगे आपको बताएंगे 16 घंटे पढ़ो, 17 घंटे पढ़ो, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये आपको समझना होता है, ये दिमाग आपके पास भी है, तो आप उसको फिगर आउट कर लोगे। मेंस का 3.5-4 घंटे या 2 घंटे भी अगर आप डेली करते हो, जैसे अगर आपने मान लो 3.5-4 घंटे आपने प्री का किया, मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आप वर्किंग हो, आप कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड हो, जॉब कर रहे हो, घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सो अगर आपने 3.5-4 घंटे प्री को किया, 2-2.5 घंटे डेली बेसिस पे मेंस का निकाल लो टाइम आप। उसमें कभी आपने पेपर 3 कर लिया, कभी पेपर 4 कर लिया, कभी आपने ऐसे लिख लिया एक, कभी आपने उसमें जो PYQ में मेंस के वो सॉल्व कर लिए, कभी आपने पेपर 2 की कोई चीज़ कर ली, इस तरह से थोड़ा कभी आपने हिंदी कर लिया, इस तरह से अगर आप डेली बेसिस पे 2 घंटे करोगे ना, तो आप देखोगे आपका मेंस भी तैयार हो जाएगा। प्रॉब्लम वही होती है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। फिर उनके साथ ये होता है, आज उन्होंने हिंदी पढ़ी, फिर 1 हफ्ते तक हिंदी नहीं पढ़ी, ऐसे आज उन्होंने 1 लिखा, फिर 1 महीने तक ऐसे लिखा ही नहीं, पेपर 2 के उन्होंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 4 दिन गायब हो गए, फिर पेपर 1 पेपर 3 कुछ नहीं खुला, फिर वो प्री भी अच्छे से नहीं कर पा रहे, उससे फिर वो लूप बनता चला जाता है। उस ट्रैप में, उस झांसे में आपको नहीं फंसना है, उस जाल में आपको नहीं फंसना है। तो पूरा गेम यही है। अगर आप ये सोच रहे हो, देखो मैं बहुत आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग है, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो चाहते तो हैं कि उनको टाइम मिल जाए, 6-8-9-7.5 घंटे, और वो पढ़ भी लेंगे अगर उनको टाइम मिल जाए, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो नहीं कर सकते अफोर्ड उतना टाइम। उनके सामने ये आता है कि हम कैसे 4 घंटे के अंदर प्री और मेंस दोनों को कर लें, नहीं हो पाएगा वो। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ, मैं आपसे क्यों ऐसी चीज़ बोलूँ जो आपको अननेसेसरी टेंशन दे, या बाद में आपको वो आपके लिए अनड्यू जो प्रेशर है वो क्रिएट करे। 4 घंटे में आप कोई भी एक सेशन कर सकते हो, या तो प्री कर लो या मेंस कर लो। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे चीज़ों को फिगर आउट करते हो। ज़्यादा टाइम मिले तो उस हिसाब से देना है। पहले वो चीज़ें करो जो श्योर शॉट हैं, सब्जेक्ट्स भी पहले वो पढ़ो जो श्योर शॉट हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे बात ये आती है कि मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, फ्री प्लान्स मतलब मेरे जो चल रहे हैं उनको कैसे टैकल किया जाए। देखो, एक यार प्रीलिम्स की स्पेशल सीरीज चल रही है, ठीक है, अर्जुन बैजू बेसिकली प्री का है, जिसकी PDF भी आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपने दे रखी है। सो उसमें आरओएआरओ और यूपीपीसीएस के प्री के टारगेट्स वगैरह सब सब्जेक्ट्स के हैं, वो भी चल रहे हैं, ठीक है। मेंस में मैंने चीज़ें दे रखी हैं, मैंने आपको एसए का बता दिया है, मैंने करीब आपको 20-25 एसए के टॉपिक्स दे रखे हैं। उसके अलावा मैंने आपको जो बाकी की चीज़ें हैं उनका बता रखा है, जो हिंदी विंदी की हैं कि हिंदी में आपको कैसे प्लान करना है। तो मतलब बेसिक चीज़ें चल रही हैं आपकी, मुहावरे लोगों की, ये सब मतलब मैंने दे रखा है। GS का भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सामने बहुत लोड है, काफ़ी लोग अपना चक्र भी रिवाइज कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो अब इसमें ये बताती है कैसे किस चीज़ को प्लान आउट करें, कैसे उसको फिगर आउट करें। डेली बेसिस पे आपको जो प्रीलिम्स वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो तो आपको करनी ही करनी है। उसको आप करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आपको टेंशन नहीं होगा बाद के लिए। जब बाद में लोग परेशान हो रहे होंगे प्री के लिए, तो आपका प्री वहाँ ऐसी कंडीशन में आप होगे, ऐसी सिचुएशन में होगे कि मेरा प्री निकल जाएगा।
और जो मेंस की चीजें मैंने दे रखी हैं उनको अपने हिसाब से देख लो कि आपके पास समय कितना है। जैसे कभी आप लेकर के बैठे, आपने एक घंटे में 50 मुहावरे पढ़ लिए, कभी आपने 50 लोकोक्ति पढ़ ली, फिर आपने संडे देखा संडे आ रहा है या किसी एक दिन छुट्टी पड़ रही है, जैसे अभी वोटिंग वोटिंग हो रही है तो आपके जिले में जब भी वोटिंग है छुट्टी है मान लीजिए उस दिन, तो आपने उस दिन बैठ करके ऐसे लिख लिया। सो इस तरह से अपने हिसाब से फिगर आउट करिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सॉलिड हैं, जो एग्जाम में आती हैं और मुझे तैयार कर लेनी चाहिए। मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया। अब हो सकता है कि किसी के पास 4 घंटे हो, किसी के पास 8 घंटे हो, सो दोनों एक दूसरे की बराबरी ऐसे नहीं कर सकते। वो अपने हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ आपकी छूट रही है, तो वो आप आगे पीछे कर लो अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना है। रोड मैप मैंने आपको इसीलिए दे रखा है सो दैट आपको एक ईजी हो, आपको एक प्लान मिल गया कि ओके ठीक है इस तरह से करना है। उसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता रखा है, किस तरह से आपको टाइम डिवाइड करना है वो मैंने बता दिया है। उस हिसाब से आप करोगे तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब तक कोई प्लान नहीं होता है ना, तो फिर कहाँ चलना है कुछ पता नहीं लगता है। आप धुंध को चेस करते हो, धुंध को चेस करने से कहीं भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे, कहीं भी लड़ जाओगे, सामने से कहीं भी डिवाइडर आ जाएगा, ट्रक आ जाएगा, डंपर आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। लेकिन जब आपके सामने यू नो क्लियर रास्ता होगा, उसमें फिर आप बहुत इजीली फिगर आउट कर लेते हो कि ओके ठीक है अभी मुझे 10 किलोमीटर चलना है, इतना इसमें समय लगेगा, तो मैं 60 की स्पीड पर चलूँ या फिर मैं 80 की स्पीड पर गाड़ी अपनी भगाऊँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो ये अपने हिसाब से बैठ करके प्लान कर लो, मैंने पहले भी बताया था लेकिन अब करीब 1 महीना हो गया है उस चीज़ को करते हुए। सो थोड़ा सा प्लान करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी 6 से 7 घंटे अगर डेली पढ़ाई कर रहे हो तो चीज़ें तैयार होंगी। कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे प्री पढ़ रहे हो, चाहे मेंस पढ़ रहे हो, चाहे आप यू नो कुछ भी ऐसे लिख रहे हो, 6 से 8 घंटे पढ़ने वाला व्यक्ति आगे पीछे चीज़ों को शफल करके तैयार कर ही लेगा। एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा वो मैंने पहले बता दिया, उसको लेकर के फालतू में टेंशन लेना नहीं है। अब 4 लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं वो सब फालतू की बातें हैं, वो सब यू नो सब मार्केटिंग जिमिक्स होती है, उनके पीछे चक्कर में पढ़ना नहीं है। आप समझदार हो, और मैं अपनी ऑडियंस जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इन सब चक्करों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस अगर तुम्हारी तगड़ी होगी, देखो एक बार ध्यान रखो, प्री और मेंस का सीधा सा सीन ये है, इंटरव्यू की बात मैं नहीं कर रहा, इंटरव्यू में तुम्हारी किस्मत खराब है या उस दिन तुम नहीं पसंद आए एग्जामिनर को, तुमको नंबर कम मिले, 10 नंबर से तुमको यू नो बाहर कर दिया गया, बाहर हो गए तुम, वो एक अलग केस है। बट प्री और मेंस में अगर आपने अपनी प्रोसेस को ढंग से फॉलो किया है तो प्री और मेंस में दिक्कत नहीं होती है, वो आपके हाथ में होता है। एग्जाम के जैसे प्री का एग्जाम है, उसके 1 महीने पहले आप सोचो कि अरे एकदम से क्या हो जाए, आपने पूरे 6 महीने पढ़ाई करी नहीं, आप ठीक है एकदम मजे मार रहे थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे, आप टाइम पास कर रहे थे, आपको सब समझा रहे थे, यू नो मम्मी पापा भी आपके समझा रहे थे, आपका जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो भी आपको समझा रहा था, हर इंसान आपको अवेयर कर रहा था इस चीज़ को लेकर के, पढ़ लो भाई, पढ़ ले बहन क्या कर रही है, नहीं समझ में आ रहा था। प्री के 1 महीने पहले आपको कोई पास नहीं करा सकता, और फिर वही बात होती है कि 5-6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 4-5 हज़ार लोग पास हुए, 6 हज़ार लोग पास हुए, जो भी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग। मेंस में भी सेम सीन है, अगर आप ढंग से अभी अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड नहीं करोगे और इधर उधर झांसों में पढ़ते रहोगे कि आपने क्वेश्चन आंसर ले लिए और रट लिया, भाई 1, 2, 4, 10, 20, 100 क्वेश्चन रट लोगे, 4 पेपर रट के नहीं लिख पाओगे, और जिस दिन इस कंडीशन में आओगे ना उस दिन फिर सिर्फ गाली देखो जिन्होंने आपको बेवकूफ बनाया होता है। मैं बहुत आपसे जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं आपसे वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करूंगा जो यू नो जो प्रैक्टिकल ना हो, एकदम एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते, एक यू नो छोटा बड़ा फ्रेंड जो भी आप मानो उसके नाते मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देखो, आप ये देखो कि आप कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हो, टॉपिक्स को इश्यूज को समझो, समझ लोगे तो अपनी लैंग्वेज में लिख लोगे, वहाँ पर कोई ये नहीं है कि बहुत ही फैब्रिकेटेड या एकदम यू नो डेकोरेटेड लैंग्वेज में आपको आंसर लिखने हैं, बी इट इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, माध्यम आपका कुछ भी हो, आपका कॉन्टेंट क्या है, आप जो पॉइंट्स दे रहे हो वो क्या है, आपने किस तरह से रिप्रेजेंट किया ये मैटर करता है। किस पेन से लिख रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, लेकिन किस तरह लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। सो ये आपको देखना पड़ेगा, और ये अगर आपने अभी से कर लिया, ये जो समय चल रहा है ना इसमें अगर आप सिंसियर रहे, गंभीरता से आपने चीज़ों को तैयार किया, चाहे वो प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो, आपको प्री और मेंस में दिक्कत बाद में नहीं होगी। मेंस के पहले भी यही होता है, जो 3 महीने का गैप होता है ना, अभी आपको बहुत से लोग बताएंगे कि आप प्री क्लियर कर लीजिए, मेंस में हमारे पास आ जाइएगा हम करा देंगे, कोई स्टैम्प पेपर पर गारंटी लिख के दी है या कुछ ऐसा है कि 100% ऐसा हो ही जाएगा, कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक यू नो भरोसा दिलाने की बात होती है। 3 महीने में कुछ नहीं हो पाता, और अब तो जो यूपी स्पेशल के 2 पेपर ऐड हो गए ना उसमें बहुत टाइम लगता है, इतना हलवा नहीं है वो, इतना इजी नहीं है, सूजी का हलवा नहीं है कि यू नो आप झट से आपने डाला थोड़ा सा उसको यू नो सोते किया और बस वो बन गया, तो ऐसे नहीं होगा। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेंस की चीज़ें अभी अगर तैयार कर लोगे खुद को पुश करके तो बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, उसमें फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे मान लो आपकी तबियत खराब हो गई 10 दिन या कोई और बात हो गई, सपोज आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो कम से कम आप बाउंस बैक कर सकते हो, कम से कम आप चीज़ों को लेकर के मैनेज कर सकते हो कि ओके ठीक है मेरी ये 1 हफ्ता वेस्ट हुआ है, इसको मैं इस तरह से यहाँ पे ये कॉप अप कर लूँ। वरना अगर ये टाइम आपने निकाल दिया, बाद में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करने के लिए समय बचेगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि अब आपको मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया तारो यारों का, अब वो क्यों नहीं दिया वो खुद जानते हैं, यू नो उसके बारे में मैं क्यों बात करूँ, वो आपका पर्सनल एक मैटर है, लेकिन एग्जाम नहीं दिया था, अब उनको मौका मिल रहा है। अब अगर वो यहाँ से अपना यू नो सिक्का नहीं जमाते हैं, यहाँ से अगर वो इस चीज़ को नहीं निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खुद को जवाब नहीं दे पाएंगे, फिर वो अगली भर्ती का, अगली रिक्रूटमेंट का वेट करेंगे। वो हो सकता है कि मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें कि भाई पोस्ट नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही, जब आई तो आपने क्या कर लिया? अगर इस बार मान लीजिए यूपी पीसीएस 2024 में 800 पोस्ट हैं, यूपी जो आरओ है मान लीजिए उसमें 411 पोस्ट है, री एग्जाम भी होगा,
इसमें अगर आप कुछ नहीं करते हो तो फिर आप गाली कितना भी किसी को देते रहो, ये बात आप भी जानते हो कि आप कुछ नहीं कर पाए। और वो चीज़ एक ऐसी होती है ना, वो एक फीलिंग ऐसी होती है जो सिंक इन करने में इट टेक्स हेल लॉट ऑफ टाइम, वो आपको अंदर ही अंदर खाएगी यार अच्छी खासी पोस्ट थी, क्योंकि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद आरओ की जो वैकेंसी है वो 2 साल तो कम से कम नहीं आनी है, ये बात आपको भी मालूम है। और इस बार इलेक्शन ईयर था तो थोड़ा बहुत यूपीएससी भी वैकेंसी वगैरह ठीक आ गई है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप जानते हो, कोई यू नो कहने की बात नहीं है। जो पॉपुलेशन है अकेले यूपी की वो आप समझते हो, देश में जो हालात चल रहे हैं वो आप समझते हो, इलेक्शन चल रहा है चारों तरफ क्या हालात हैं वो भी आप देख रहे हो। सो ये सब आपको समझना है और उसके हिसाब से अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। आई होप कि मैं कुछ चीज़ों को लेकर के आपको क्लियर कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि यू नो 10 मिनट का वीडियो यहाँ तक कितने लोग आएंगे, आजकल लोग बहुत यू नो सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं तो वो वीडियो भी नहीं देखते हैं, काफ़ी जरूरी चीज़ें वैसे उसमें मैंने बताई होती हैं। बट ठीक है, जो यहाँ तक आएगा देखेगा उसे आई थिंक कुछ तो क्लैरिटी जरूर मिलेगी एंड वो बेटर वे में अपनी चीज़ों को चेस कर पाएगा, जो भी अपने टारगेट्स वगैरह या जो भी प्रोसेस को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है इतने लोग सीख रहे हैं जान रहे हैं और कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ, लगातार मैं इस चीज़ को लेकर के सोचता रहता हूँ। थैंक यू।